वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग जरूर कमेंट्स करना। और यहाँ पर देखिए आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ लेंस। आप बोलोगे कि फर्स्ट टाइम किया क्या, ट्राई किया है। तो यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं, ये लेंस मैंने लिया है, यहाँ पे दीदी लेके आई है, जो कि मैंने अपने आँखों में यूज़ करने वाली हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैंने आज तक अभी कुछ ऐसे ना यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दीदी अप्लाई करेंगी और ये इसकी वीडियो मैं अलग से शॉर्ट में डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना कि कैसे अप्लाई किया जाता है इस लेंस को। और फुल डेमो में दिखाऊंगी यहाँ पर। और क्या, हाँ बस इतना ही। बात करते करते भूल जाते हैं क्या बतियाना है। बात करते करते जब नहीं होती है पूरी तरह से, तो ऐसे ही चलो ठीक है फ्रेंड्स। बहुत घाई घाई हो रही है और दीदी होता है ये इसका। हाँ। ये है, ये हाइड्रा इसका वाटर है। हाँ। ये वाटर हम लोग यूज करेंगे दो तीन बार। और बैकग्राउंड में बहुत सारा काम चालू है एक्चुअली। चलिए आज दीदी जा रही है, तो बहुत हड़बड़ हड़बड़ी होने वाला है सब कुछ। कि लेंस को आंखों में किस तरह से लगाना चाहिए, बहुत ही इजी वे है लगाने का। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कभी भी आप लेंस यूज करते हो तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स मिलता है, उसे जरूर परचेस कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट और राइट जब आप आंखों को लगाते हो तो दोनों आंखों का साइज आपको डिसाइड करना है कि कौन से आंखों में आपको इन्हें लगाना है। और जब भी आप लगाते हो ना, तो उसी डायरेक्शन में आप लगाइए। हाँ, और निकालने के बाद आपको इसी में रखना है, लेफ्ट का लेफ्ट में ही रखना है, राइट को राइट में ही रखना है। और सोल्यूशन के साथ रखिए, तो ये बिल्कुल भी जल्दी खराब नहीं होता। तो ये थी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। अब मैं बताऊँगी आपको कि कैसे लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है बड़ी दीदी का हेल्प। आप इसे खुद भी अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और यहाँ पर देखिए, इसे कॉर्नर में इस तरह से रखना होता है और आंखें बंद करनी होती है, और ये ऑटोमेटिक जाके अच्छी तरह से अपने प्लेस ले लेता है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो आप। और ये ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही आसानी से चला गया। आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट मुझे लगाने के बाद मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि चेहरा इतना ज़्यादा बदल जाता है कॉन्टैक्ट लेंस से। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जिसे लगाने नहीं आता, इस तरह से ज़रूर आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छे से यू नो लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे तो चुकू क्या बोल रही हूँ, मैं क्या लग रही हूँ, डॉल पूरी लग रही है। मैं सच में यार बहुत सरप्राइज हूँ कि सिर्फ आई कलर चेंज करने से आप इतने मतलब अलग दिख सकते हो। सीरियसली इस वक्त मुझे याद आ रही संगीता की, कि वो जब लगाती थी तो मैं बोलती थी कैसे लगाती है, बट सच में और बहुत ही अच्छा लुक आया है। आप इसमें साड़ी पहनोगे या फिर कुछ अलग, आपको कुछ अलग दिखना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है मुझे लगता है। कभी कभी हम लोग खुद की लुक देख देख के ना बोर हो जाते, तो ऐसा कुछ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मगर बहुत अलग ही दिख रही हूँ यार मैं, सच में मैं इतनी अलग हो गई। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो रिमूव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बस इसे थोड़ा सा प्रेस करके अच्छी तरह से निकाल लेना होता है, और देख सकते हो कि कितना फ़र्क है दोनों आँखों में। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग आई कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ताकि यूज़फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ।